नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत की राजनीति में पाकिस्तानी प्लॉट का जिक्र सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को लेकर ही होता है, चाहे वो खालिस्तानी आतंकवाद हो या जिहादी आतंकवाद। और अब तो भारत में तालिबानी आतंकवाद का भी खतरा मंडराने लगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल में IAS रह चुके KJ अल्फोंस ने इस खतरे की चेतावनी दी है। अल्फोंस ने कहा कि केरल में ऐसा तालिबानीकरण हो रहा है कि अगले 5 से 10 साल में वहां भी अफगानिस्तान जैसे हालात हो सकते हैं। देखिए, त्रिवेंद्रम की रहने वाली विंदु की बेटी निमिषा पहले फातिमा बन गई और फिर अफगानिस्तान जाकर आतंकी बन गई थी। MBBS पढ़ रही निमिषा कैसे फातिमा बनी और कैसे आतंकी, ये पहेली आज तक उनके माता पिता को समझ में नहीं आई। निमिषा की तरह ही मेरिन भी ईसाई धर्म छोड़कर कब मरियम बन गई और बेस्टिन कब या हया बन गया, ये भी उनके परिवार वालों को पता नहीं चल पाया। केरल के गैर मुस्लिमों के मुसलमान बनने और आतंकी बनने के इन्हीं सिलसिलों को देखते हुए केंद्रीय मंत्री रह चुके KJ अल्फोंस ने एक बड़ी चिंता जाहिर की है। Let there be no doubt at all. I mean, there is so much of Talibanization of Kerala, especially certain pockets of Kerala in the past 25 years. But these two friends have been silently and now actively promoting extremism. केरल में बढ़ते जिहादी कट्टरपंथ की घटनाओं का जिक्र बगदादी के आतंकी संगठन से लेकर अफगानिस्तान तक की आतंकी गतिविधियों में हुआ है। 20 से ज्यादा केरल के रहने वाले लड़के लड़कियां धर्म परिवर्तन के बाद आतंकवादी बन चुके हैं। It's extremely sad because it's very easy to plant the seeds of extremism even in such an educated place like Kerala. And we can see it actually now blooming, flourishing in certain parts. And we know that the largest number of recruits for ISIS has been from Kerala. And all this is going to lead to a situation in another 5-10 years where Kerala could become another Afghanistan. Kerala ke Rajyapal Arif Mohammad Khan bhi is tarah ki aashankaon ko kharij nahi karte. Halanki unka kehna tha ki abhi tak koi thos aankde samne nahi aaye hain. वो बच्चे केरला से, मैं तो रिक्रूटमेंट करने की कोशिश हुई, लेकिन अब फिर एक बात और भी ध्यान रखिए कि केरला 100% लिटरेसी है, हर बच्चा इंटरनेट पे है, तो हो सकती है ऐसी। लेकिन जो ओवरऑल माहौल है, वो माहौल में मेरा ख्याल है कि इसमें पूरे केरला के ऊपर ये बात इसको उस तरह करके नहीं देखना चाहिए। ठोस आंकड़ों के अभाव में KJ अल्फोंस की आशंका को खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि केरल में बढ़ते जिहादी कट्टरपंथ के खतरे का अंदेशा सत्ताधारी CPM को भी हो रहा है। केरल में जिहादी कट्टरपंथ किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों CPM ने अंदरूनी तौर पर अपने कार्डर्स के बीच में एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था। इस डॉक्यूमेंट्स में कहा गया था कि प्रोफेशनल कॉलेजेस के कैंपस में लड़कियों को कट्टरपंथ की तरफ ढकेला जा रहा है और ऐसे में स्टूडेंट्स और यूथ फ्रंट को इस पर नजर रखनी होगी। केरल में कन्वर्जन के लिए सिर्फ लव जिहाद ही नहीं, बल्कि अब नारकोटिक जिहाद का भी खतरा बढ़ गया है। इस खतरनाक साजिश की आशंका कोटेयम के बिशप भी जाहिर कर चुके हैं। कैथोलिक चर्च के बिशप जोसेफ ने 8 सितंबर को कोटेयम में कहा, गैर मुसलमानों की जिंदगी तबाह करने की गतिविधि का नाम नारकोटिक जिहाद है। खासकर नौजवानों को ड्रग्स की लत लगाई जा रही है। आइसक्रीम पार्लर्स में, होटलों में, जूस कॉर्नर्स में हार्डकोर जिहादी तरह तरह के ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर मुसलमानों को तबाह करने के लिए ड्रग्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर केरल में बिशप जोसेफ के इस बयान का इतना असर हुआ कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, उन्हें जेल भेजने की मांग होने लगी। हालांकि CM पिनरई विजयन ने ये कहकर कार्रवाई से मना कर दिया कि बिशप ने नारकोटिक जिहाद की बात अपने समर्थकों के बीच कही है, सार्वजनिक तौर पर नहीं। केरल की सरकार पर कट्टरपंथियों का चाहे जितना दबाव हो, लेकिन तुष्टीकरण की सियासत करने वाली सत्ता की ये हालत हो गई है कि ना तो वो कट्टरपंथियों पर एक्शन ले सकती है और ना ही नारकोटिक जिहाद का दावा करने वाले बिशप पर कार्रवाई कर सकती है।
मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.